तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिग्री के सारे रूल्स और 3 डिग्रीज के बारे में समझे थे, और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्री में कैसे बदलें। या तो इसका मतलब ये है कि अगर कंप्लीटेड डिग्री दिया होगा तो उस पे से हम पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएं, या तो पॉजिटिव डिग्री से कंप्लीटिव कैसे बनाएं, या फिर सुपरलेटिव डिग्री से कंपरेटिव और पॉजिटिव कैसे बने। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम नंबर 1। सी रन्स फास्टर देन आई। मैंने लास्ट वीडियोस में आप सभी लोगों को सभी डिग्रीज के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी दिखाए थे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे देखिए फास्टर, ठीक है, फास्ट के साथ क्या आ गया, ई आर आ गया, साथ में देन आया है, तो ये क्या गिनाएगा, कंपरेटिव डिग्री, ठीक है, कंपरेटिव डिग्री है। अब देखेंगे पॉजिटिव में है मतलब अफर्मेटिव में है, तो इसका बनेगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए अगर कंपरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो जो सब्जेक्ट्स होंगे वो एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है, और टेंस के हिसाब से हेल्पिंग ऑफ का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आई है तो आई को आगे लाएंगे, लिखेंगे आई। अब देखिए यहाँ पे सी रन्स था तो ये टेंस कौन सा हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के हिसाब से हम यहाँ पे चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या बनेगा, हेल्पिंग ऑफ के तौर पर यूज होगा डू, नेगेटिव के साथ आएगा नॉट, ठीक है, आई डू नॉट हो गया। उसके बाद क्या आएगा, रन, आई डू नॉट रन। अब पॉजिटिव नेगेटिव में हो तो क्या आएगा, सो एस, अगर पॉजिटिव अफर्मेटिव में बना हो तो क्या आएगा, एच विशेषण एस, लेकिन यहां नेगेटिव बना रहे हैं तो इसके लिए हम यूज करेंगे सो। उसके बाद यहां फास्टर से ई आर हट जाएगा, बचेगा फास्ट। उसके बाद क्या आएगा, एस, लास्ट में सब्जेक्ट आएगा सी, ठीक है, आई डू नॉट रन सो फास्ट एस सी। सेकेंड एग्जाम्पल, रमेश प्लेड बेटर देन खुशी। अब देखिए यहाँ पे जो दो नाम है दोनों का अदला बदली हो जाएगा, और टेंस के हिसाब से ये टेंस हुआ सिंपल पास्ट टेंस, उसके हिसाब से हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे डिड। तो पहले एक्सेस करते हैं, नाम क्या आएगा यहाँ पे, खुशी डिड नॉट, ठीक है। अब यहां से वर्ब का सेकंड फॉर्म हट जाएगा, क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, प्ले, खुशी डिड नॉट प्ले, ठीक है। फिर क्या आएगा, अब सबसे पहले बात तो ये कौन सी डिग्री है, कंपरेटिव डिग्री है, चेंज करेंगे इसको बनेगा पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री अगर कंपरेटिव डिग्री अगर नेगेटिव अफर्मेटिव में हो तो पॉजिटिव क्या बनेगा, नेगेटिव में, तो खुशी डिड नॉट प्ले। उसके बाद क्या आएगा, सो। अब देखिए बेटर के ऑप्शन के लिए दो पॉजिटिव डिग्री का वर्ड्स बनते हैं, एक तो होता है गुड या फिर होता है वेल। गुड का यूज तभी होगा जब टू के साथ बी का फॉर्म होगा, लेकिन वेल का यूज विशेषण के साथ कर सकते हैं, तो यहाँ पे वेल का यूज करेंगे, सो वेल एस, फिर नाम क्या है, रमेश, फुल स्टॉप, खुशी डिड नॉट प्ले सो वेल एस रमेश। द इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर देन कोल। देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव है, तो आएगा द इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पे कॉल, और ये चीपर वर्ब के साथ जो एडजेक्टिव है इसके साथ क्या आएगा, ईआर आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, कंपरेटिव डिग्री हो जाएगा। चेंज करेंगे इसमें पॉजिटिव डिग्री में तो ये बनेगा नेगेटिव सेंटेंस, क्या आएगा स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट्स चेंज रहेंगे, क्या आएगा, द कॉल, द कॉल इज नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सो चीपर में से चीप ये आ जाएगा तो बचेगा चीप एस, द कॉल इज नॉट सो चीप एस द इलेक्ट्रिसिटी,
लास्ट में फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वीडियो नंबर 1 एक्सरसाइजेस नंबर 1 में सी इज एज प्रीटी एज अ रोज। तो देखिए यहाँ पे दो जो सब्जेक्ट हैं उनके जगह हमें चेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद जो एडजेक्टिव होते हैं एडजेक्टिव को हमें डिग्री के हिसाब से चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो डिग्री है वो कैसा है, पॉजिटिव डिग्री। कैसे हमें मालूम पड़ा है यहाँ पे एज एडजेक्टिव एज है, उसके हिसाब से ये डिग्री हुआ पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो सेंटेंस है वो कैसा है, अफर्मेटिव में है। उसको बदलेंगे कंपैरेटिव में तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव बनेगा उसके हिसाब से जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज जाएंगे, और जो टेंस है टेंस के हिसाब से हम हेल्पिंग ऑफ और नॉट का यूज करेंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पे, अ रोज है, लिखेंगे अ रोज। फिर क्या है हेल्पिंग ऑफ इज, फिर आएगा नॉट, ठीक है। अब क्या आएगा कंपैरेटिव में आता है सो, ठीक है। अ रोज इज नॉट सो प्रीटी है, तो यहाँ से वाई हटाकर आई आर करेंगे, ऐसा रूल्स में है। इज नॉट सो प्रीटियर देन सी, सब्जेक्ट है सेकंड, तो दोनों का प्लेस हमने चेंज कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एन आर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्ग के साथ ई आर आया है, और यहाँ पे देन इस पे से मालूम हुआ कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, और इसे बदलेंगे हम पॉजिटिव में तो पॉजिटिव डिग्री बनेगा नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि ये अफर्मेटिव है इसलिए। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे, तो पहले क्या आएगा एन एस, ठीक है। फिर क्या है इज, उसके बाद नेगेटिव करना है तो यहाँ पे नॉट आएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव बना रहे हैं कंपटीटिव से पॉजिटिव में, तो नेगेटिव क्या हो सकता है सो, एंड एस इज नॉट सो स्ट्रॉन्गर में से ईआर बच जाएगा, क्या बचेगा स्ट्रॉन्ग। फिर आएगा एस, ठीक है, एंड एस इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एस, फिर सब्जेक्ट द हॉर्स, फुल स्टॉप। अरबिया इज हॉटर देन इंडिया, अब दो कंट्री है तो दो सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। हॉट के साथ ई आर जुड़ा है, देन है, मतलब ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री, चेंज करने पर बनेगा पॉजिटिव डिग्री, कैसे नेगेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले एक्सचेंज करेंगे सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में आएगा इंडिया, लास्ट में आएगा अरबिया, लेकिन यहाँ पे इंडिया इज, फिर क्या आएगा यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ आएगा नॉट, फिर यूज करेंगे सो, उसके बाद हॉटर में से ईआर जाएगा, बचेगा क्या हॉट, ठीक है। इंडिया इज नॉट सो हॉट, उसके बाद यूज होगा एस, उसके बाद आएगा अरबिया, ठीक है, या तो ऐसे भी हम ले सकते हैं। लास्ट इज योर ब्रदर टॉलर देन यू, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले डिग्रीज आएंगे, तो कैसे सॉल्व करोगे, जैसे टेंस है मतलब जिस टेंस में है उसी टेंस के आधार पर हम डिग्रीज चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए टॉल के साथ ईयर जुड़ा है, देन है, मतलब क्या ये कंप्लीट डिग्री है, कंप्लीट डिग्री को हम चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में तो क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा। ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे तो क्या बनेगा इंट्रो नेगेटिव। तो पहले यू ब्रदर ये क्या है सब्जेक्ट है, और यू सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट हो गए, तो दोनों को हम चेंज करेंगे, यहाँ पे यू आएगा तो इसके हिसाब से हेल्पिंग ऑफ है, इसके बदले क्या हो जाएगा आर। क्यों, यू ब्रदर सिंगुलर नाम है इसके यहाँ पे यूज हुआ है, यू अगर यहाँ पे आएगा यू कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन, उसके साथ यहाँ पे हेडिंग ऑफ आर का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे आर यू नेगेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा नॉट,
आर यू नॉट, उसके बाद आएगा सो, बगल में सी आर बचेगा क्या बचेगा टॉल, आर यू नॉट सो टॉल, उसके बाद यूज होगा एस और लास्ट में योर ब्रदर। फिर क्वेश्चन मार्क, ये तो आपका पॉजिटिव डिग्री निगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पांच में लिखा है आवर नीड्स आर एस लिटल एस बेयर्स। अब देखिए यहाँ पे एस एडजेक्टिव एस आए तो क्या गिनाया गया, ये पॉजिटिव डिग्री इसमें है, अफर्मेटिव में है, और चेंज करने पर इसका बनेगा कंप्लीट डिग्री किसमें, निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो ये दो सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट और लास्ट में इनका प्लेस एक्सचेंज होगा, उसके बाद टेंस के हिसाब से भी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आवर है और यहाँ पे देयर से, तो यहाँ पे देयर से एस हट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे देयर, देयर नीड्स आर निगेटिव है तो नॉट। ठीक है, अब लिटल का कंप्लीट डिग्री का वर्ड क्या होगा, लेस, इज नॉट लेस, उसके बाद क्या आएगा देन। अब यहां पे आवर था तो एस यहां पे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा देन आवर्स। ठीक है, लास्ट में फुल शो, देन इज आर नॉट लेस देन आवर्स। छठा एग्जांपल, सुधीर इज नॉट सो हैंडसम एज सोहन। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, सो है, एडजेक्टिव है और एज है, इस पे से हम मालूम पड़ा ये कि पॉजिटिव डिग्री किसमें है, नेगेटिव में है, चेंज करने पर बनेगा कॉम्पिटिव डिग्री किसमें बनेगा, अफर्मेटिव में। ठीक है, तो यहाँ देखिए हैंडसम वर्ड जो है ये दो सिलेबल का बना हुआ है, इसके लिए हम इसके पहले क्या यूज करेंगे मोर। तो सबसे पहले बात सुधीर और सोहन जो नाम है ये दोनों का प्लेस एक्सचेंज होगा, तो पहले क्या आएगा सोहन, लिखेंगे यहाँ पे सोहन इज नेगेटिव है तो हट जाएगा क्योंकि हम पॉजिटिव बना रहे हैं, सोहन इज, उसके बाद यूज होगा मोर, फिर क्या है हैंडसम, मोर हैंडसम, उसके बाद क्या आएगा देन, फिर यहाँ पे नाम है तो नाम का लिख देंगे यहाँ पे सुधीर, उसके बाद फुल स्टॉप। सातवां एग्जांपल, दर्शन इज नॉट सो हार्ड वर्किंग एज भैरवी। ये भी पॉजिटिव डिग्री है किसमें, नेगेटिव है, चेंज करने पर बनेगा कम्युलेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में, बराबर। अब देखिए सबसे पहली बार जो यहाँ पे पर्सन से इन सबके स्पेस जो है एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, पहले आएगा भैरवी, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ इज है, यहां से नॉट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव भी बना रहे हैं उसके हिसाब से अफर्मेटिव बनेगा। भैरवी इज, अब यहाँ पे सो है तो सो का हटाएगा मोर, फिर हार्ड वर्किंग, उसके बाद यहाँ पे एज हटकर आएगा देन, फिर आएगा नाम दर्शन, उसके बाद फुल स्टॉप। आठवां, जहांगीर वाज नॉट सो ग्रेट एज अकबर। ग्रेट है एडजेक्टिव, सो और एस यूज वाई, मतलब ये भी पॉजिटिव डिग्री है, नेगेटिव में चेंज करने पर बनेगा कंप्लीट डिग्री अफर्मेटिव में। ठीक है, सबसे पहले बार जहांगीर और अकबर का प्लेस चेंज करेंगे, पहले में आएगा अकबर, उसके बाद वाज यहां से नॉट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि हम कंप्लीट बना रहे हैं तो ऑपरेटिव बनेगा, अकबर वाज, यहां पे सो है तो क्या आएगा ग्रेट, अकबर वाज ग्रेट है, ग्रेट का बन जाएगा ग्रेटर, उसके बाद आएगा देन, फिर जहांगीर, ठीक
ठीक है, अकबर वॉज ग्रेटर देन जहांगीर, वलसाड इज एस फेमस एस नवसारी और फेमस वर्ड है, ये दो सिलेबल से बना है, इसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे मोर इसके पहले। अब वलसाड और नवसारी दो सिटी है, इन दोनों के नाम एक्सचेंज करेंगे, क्या आएगा पहले, नवसारी इज एस एज ए मतलब पॉजिटिव डिग्री है, अफर्मेटिव में चेंज करने पर बनेगा कंप्लीट डिग्री नेगेटिव में, तो नवसारी इज नॉट मोर फेमस। उसके बाद क्या आएगा देन लास्ट में वलसाड, फिर आखिरी में फुल स्टॉप।